living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Hey guys, तो हम कल पहुंचे थे स्पोकेन से कोलंबिया फॉल्स. वहां पे हम लोग का स्टे था रात को एयरबीएनबी में. अब हम लोग सब रेडी हो. हाँ ये कर लो पहले. अब हम लोग सब रेडी हो चुके हैं सुबह उठकर और अब हम जा रहे हैं ग्लेशियर्स नेशनल पार्क. आर यू गाइस एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? एवरीबॉडी इज एक्साइटेड. यस, इट विल बी अ फन ट्रिप. देखते हैं अब आगे हम क्या क्या करने वाले हैं. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, अब हम पहुंच गए थे कोलंबिया फॉल्स और कोलंबिया फॉल्स से बहुत ही ज़्यादा पास में था ग्लेशियर्स. 30 या 40 मिनट का रास्ता था. सो घूमने जाने के रास्ता हम लोगों ने चूज़ किया था वेस्ट ग्लेशियर से, क्योंकि वेस्ट साइड हमारे स्टे के बहुत करीब थी तो वहाँ से एंटर करें. एंड देन हमारा प्लान था फर्स्ट लेक जो ऑन द वे आती है, लेक मैकडोनल्ड, वहाँ पर जाने का. लेक मैकडोनल्ड घूमने के बाद, थोड़ा टाइम्स वहाँ स्पेंड करने के बाद, हम लोगों ने एक और आगे जाके स्पॉट पे इंजॉय किया. बट वो स्पॉट इंजॉय करने से ज़्यादा इट वाज मोर लाइक अ ट्रैक. तो हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैक करा, देन व्यू इंजॉय किया. वो भी एक लेक का ही व्यू था, हिडन लेक करके लेक का नाम था. सो उसके बाद हम वहाँ गए. सो हमने लिया है एक छोटा सा स्टॉप. हमारे फ्रेंड्स थोड़ा सा पीछे गए हैं फोटोज़ और वीडियोस लेने के लिए, तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया है. मीनवाइल आप ये देखो, ये पूरा लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग रुके. Your county. All wildlife is dangerous. Do not approach or feed. यहाँ पे लिटरली यहाँ पे इन्होंने एक वार्निंग दी हुई है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स को कुछ भी खाना पीना नहीं खिलाना है और उनसे दूर रहना है जितना पॉसिबल है. सो ये हम नेशनल फॉरेस्ट अब ग्लेशियर्स का एंटर कर चुके हैं. तो हम पहुंच गए थे अब मैकडोनल्ड लेक, और ये जो लेक है ये था वॉकिंग डिस्टेंस पे. आप नीचे उतर के जाओ और आपको ये लेक का व्यू मिल जाएगा. हाइक या आपको चढ़ना उतरना कुछ नहीं है ज़्यादा इधर. फन फैक्ट अबाउट दिस मैकडोनल्ड लेक कि ये सबसे बड़ी लेक है पूरे ग्लेशियर्स नेशनल पार्क की. दूसरी चीज़, इसका पानी एकदम ट्रांसपेरेंट है. आप देख सकते हो लिटरली नीचे के पत्थर दिख रहे हैं, फिशेस दिख रहे हैं नीचे. आई डोंट नो फिशेस है या टेडपोल्स है, फ्रॉग के बच्चे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको देती हूँ अबाउट ग्लेशियर नेशनल पार्क. अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लान इट बिफोर टाइम. यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है. थोड़े बहुत लॉजेस हैं नेशनल पार्क के अंदर, वो भी बुकड आउट हो जाते हैं. तो मेक श्योर आप 6-7 महीने पहले अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं. दूसरी चीज़, यहाँ पे नेशनल पार्क में आपको पता है US में जाना है अगर किसी नेशनल पार्क में, तो यू रिक्वायर अ पास विच इज़ कॉल्ड अमेरिका इज़ ब्यूटिफुल. तो मेक श्योर वो आपका एक्टिव पास हो. तीसरी चीज़, यहाँ अंदर ग्लेशियर्स के अंदर भी पासेस लगते हैं, लाइक गोइंग टू द सन रोड, वहाँ के लेक पास लगता है, वो भी पहले अवेलेबल होता है या फिर एक दिन पहले 7 बजे शाम को अवेलेबल होता है. आप तुरंत बुक कर सकते हैं. अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको पास मिल जाएगा. और भी पासेस काफ़ी यहाँ पे लगते हैं, लाइक मैनी ग्लेशियर्स का. आपको मैनी ग्लेशियर्स घूमने जाना है तो उसके लिए पास लगता है. ये क्यों होता है? क्योंकि दे कांट अलाउ एवरीबडी. अगर आप इतना भीड़ भड़का ग्लेशियर्स में या फिर नेशनल पार्क्स में आता रहेगा तो वेजिटेशन को, इन्वायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो टू लिमिट दी पॉपुलेशन, टू लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स, उन्होंने ये करा है. सो मेक श्योर आप ये सब करके जाएँ.
सो अभी हम जा रहे हैं हिडन लेक का ट्रेल और ये सब बाकी के लोग आगे हिडन लेक हेड की तरफ जा रहे हैं. लुक एट द व्यू, कितना प्यारा व्यू है. One eternity later. तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अब देख रहे हैं एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है. हाँ अब हम कोशिश करेंगे कि और आगे जाएँ. वैसा खतरा तो नहीं है, हम जहाँ भी लगेगा कि हम स्टॉप कर देंगे हम स्टॉप कर लेंगे. अच्छी आई थिंक जो भी ग्लेशियर नेशनल पार्क घूमने जाता है वो सब लोग एक विश लेके जाते हैं कि उनको माउंटेन गोट्स दिखे. एंड हम लोग लकी थे, हमको माउंटेन गोट दिखा, प्लस वो हमारे बगल से होके गया तो मैं ये वीडियो भी ले पाई थी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास ये वीडियो है वेयर आई कैन शो यू ऑल कि माउंटेन गोट कैसे दिखते हैं. फुल बॉडी बिल्डर टाइप एकदम. एक यूनिक चीज़ जो इन गोट्स में होती है, इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और ये सिर्फ हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं. ये लोग नीचे नहीं दिखेंगे, ये लोग ऊपर बहुत ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं. तो फाइनली अब हम पहुंच गए थे लेक पर विच इज़ हिडन लेक. ऑब्वियसली लेक के पास नहीं गए थे क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा हाइक करके जाना था और इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी क्योंकि ये पूरा हाइक हम लोगों ने दिन में किया था और इतनी डायरेक्ट सनलाइट हम लोगों को पड़ रही थी कि पूछे मत. और उसकी वजह से हम और थक गए थे. बट हमने थोड़ी देर बाद वापस डिसेंड करना चालू किया. ये था हमारा आज का पूरा दिन इन ग्लेशियर्स नेशनल पार्क. फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन मज़ा किया हम लोगों ने आज. बट घर आने के बाद हम बहुत थक गए थे, सो खाना खाया एंड सो गए. ऑल्सो ये जो व्लॉग की सीरीज़ है ग्लेशियर्स की, इसमें एक और व्लॉग बचा है. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट एंड लाइक शेयर. थैंक यू. बाय.